हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम जा रहे हैं बाइक में कुछ चेंजेस करवाने, और इसका नया सॉफ्टवेयर आया है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट करवाएंगे, और सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होगा वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ दोस्तों मैं इसमें कुछ R&D भी करवाऊंगा, थोड़ा सा चेंज करवाऊंगा, इसकी पावर और एग्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वो सही है या नहीं है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए लॉन्ग राइड के लिए। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी बाइक और इस बजट में कोई और होगी, अभी तक तो फ़िलहाल कोई नहीं है, क्योंकि मैंने परचेज़ करने से पहले बहुत मेहनत की, बहुत कंफ्यूज था कि कौन सी बाइक लूँ और कौन सी ना लूँ। इससे पहले मेरे पास जो थी वो क्लासिक 350 थी। क्लासिक 350 पे भी मैंने बहुत सारे टूर करे हैं, उस पर भी मज़ा आता था, लेकिन अब कुछ मुझे अपग्रेड करना था तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हिमालयन पे जाऊं या किसी और पे जाऊं। दोस्तों अभी तक मैं ये 500 किलोमीटर चला चुका हूं और मेरे को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना तो जाम में, ना ट्रैफिक में, और किसी भी तरीके की पूरी बाइक बहुत स्मूथ है। तब फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यार हिमालयन और इसमें अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो दिस इज़ द मस्ट बेटर। तो दोस्तों मेरे दोस्त धीरज जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, और अब हम दोनों जाएंगे सर्विस सेंटर में और वहाँ पर देखेंगे क्या चेंजेस करवाने हैं। KTM सर्विस सेंटर, चलो सर। हाँ, धूप बहुत बढ़िया है, गर्मी भी लग रही है। मौसम का भी दोस्तों पता नहीं चलता, कब इतनी तेज़ धूप हो जाती है और कब एकदम ठंड लगने लग जाती है। अच्छा, एप्लीकेशन अपडेट। दिखाना ये कितना बड़ा है, एक दांत का अंतर है ना? 15 दांत का, एक दांत का फर्क, एक दांत से इतना फर्क पड़ जाएगा। एक्सपीरियंस तो कर ही लिया आपने वो भी। हाँ। अब इस पे देखो क्या, मतलब दिलवा के मानोगे ऐसे, ये होते हैं दिलवा के मानोगे मुझे। हाँ। चैन भी तो टाइट कराओगे फिर? हाँ, वो
टाइट करनी पड़ेगी, चेन लूज हो गई ना, बड़े गराड़ी छोटी हो गई ना, उसको फर्क पड़ रहा है साइज में भी, वो वाले तो दोस्तों यहाँ का काम तो हो चुका है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी हो गया है, और जो मैंने R&D करनी थी, जो 14 पॉकेट का मैंने डलवाई है इसमें गरारी, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि उससे मुझे क्या चेंजेस फील हुआ और कितना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो ये देखो दोस्तों इसमें कितनी पावर इम्प्रूव हो गई है, सेकंड से पहले ही गाड़ी उठनी शुरू हो गई है। तो आप इसको करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। दोस्तों बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है चलाने में, आप एक बार करवा के देखिए, और इसका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 200 रुपये की गरारी है सिर्फ KTM के सर्विस सेंटर से, वो आप वहीं से लेके वहीं पे चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसे और अच्छे वीडियो बनाऊं, या आपको क्या कमी महसूस हुई इसमें, और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।